अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चिकन तंदूरी मसाला। इसके लिए मैं ली हूँ 1 किलो चिकन। इसको हम ऑलरेडी वॉश करके रख लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 पिंच रेड फूड कलर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन सबको मिला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून फुल चिकन तंदूरी मसाला, 1/2 लेमन, 2 टेबलस्पून दही। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे हम 1/2 घंटे के लिए रख डालेंगे रेस्ट। अब ये मसाला अच्छे से मिक्स कर लिए, इसे अब हम 1/2 घंटे के लिए रख डालेंगे रेफ्रिजरेटर में। उसके बाद हम इसे पकाएंगे। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम एक भगोने में 5 से 6 चम्मच तेल ले लिए, 100 ग्राम तेल है ये। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, मैरिनेटेड चिकन। इसे हम फुल फ्लेम पे 10 मिनट्स पकाएंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे 10 मिनट्स तक पकाएंगे। इसका पानी छूटता चिकन का, इसमें से पानी पूरा सूखे तक हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अभी इसमें पानी बहुत है, पानी सूखे तक हम ऐसा हिला के थोड़ी देर को हम ऐसा हिला के पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे हम क्रश करके डालें। पानी को अच्छे से हम सुखा लेंगे, ये चिकन का पानी है ये पूरा। अगर आप चिकन अगर हार्ड है तो आप फिर से इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल के गला ले सकते हैं। चिकन तंदूरी मसाला बनके रेडी हो गया। इसे अब हम डिश आउट करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें स्मोकी फ्लेवर होना तो आप लोग इसके अंदर एक कोलसे को जला के इसमें छोटी कटोरी में डाल के उसमें घी 1 टेबलस्पून घी डाल के ऐसा लिड बंद करके आप उसे स्मोकी फ्लेवर दे सकते। मैं इसमें स्मोकी फ्लेवर नहीं दे रही हूँ, हमारे घर में स्मोकी फ्लेवर नहीं पसंद, इसलिए मैं अब इसको स्किप कर रही हूँ। आप लोग इसमें स्मोकी फ्लेवर दे ले सकते। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। चिकन तंदूरी मसाला बनके रेडी हो गया। इसे आप लोग रोटी के साथ, नान के साथ या चपाती के साथ भी खा सकते हैं, या बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चिकन तंदूरी मसाले की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।